देश में कोरोना के मरीजों के संपर्क में आने की वजह से डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ को न सिर्फ कोरोना होने का खतरा है बल्कि कुछ तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में झारखंड में एक नई तकनीक काफी हद तक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए वरदान साबित हो सकती है। देश का पहला ऐसा जिला होगा झारखंड का चाईबासा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खाना और दवा बांटने का काम हॉस्पिटल स्टाफ नहीं बल्कि एक रोबोट करेगा। इस रोबोट का नाम कोबोट रखा गया है। जिले के डीडीसी आदित्य रंजन ने 3 दिनों के अंदर लगभग 25,000 से भी कम रुपए की लागत से इस रोबोट को तैयार किया, जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खाना और दवा देने में सक्षम है। लगभग 30 किलोग्राम की क्षमता वाले इस कोबोट को 200 मीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। रिमोट के जरिए ऑपरेट किए जाने वाले इस कोबोट में एक कैमरा लगा है, जो सामने की तस्वीर को दूर बैठकर ऑपरेट कर रहे ऑपरेटर को दिखाएगा, और एक स्पीकर भी लगा है जो मरीजों को जानकारी देने के लिए लगाया गया है। इतना ही नहीं, जब ये कोबोट काम से वापस आएगा तो वाटरप्रूफ होने की वजह से इसे पूरी तरह सैनिटाइज भी किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले भी देश में पहला कोविड-19 सैंपल कलेक्शन बूथ भी चाईबासा में शुरू किया गया था। चाईबासा सदर अस्पताल में सैंपल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस सिस्टम को भी डीडीसी आदित्य रंजन ने खुद रिसर्च कर तैयार कराया था। रांची बीआईटी मेसरा के छात्र रहे आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन ने पीपीई किट की कमी को देखते हुए फोन बूथ की शक्ल में कोरोना सैंपल जांच सेंटर बना दिया था। न्यूज डेस्क।